स्कैम्स के तरीके हैं, आपको अभी स्कैम्स के बारे में नहीं सोचना जब तक। हे गाइस, मैं हूं अमिता और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जो H-1B वीजा है, अमेरिका का मोस्ट ऑफ द पॉपुलर वीजा जिसपे मोस्ट ऑफ द इंडियंस अमेरिका आते हैं। जो भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मैं बता दूं कि रिसेंटली मैंने अमेजोन बिजनेस का पूरा कोर्स लॉन्च किया अपनी वेबसाइट fitlifebyamita.com पे। इसमें मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पूरा अमेजोन बिजनेस सिखा रही हूँ, कैसे आप अपने घर बैठे बैठे दूसरी किसी भी कंट्री से, इंडिया, नेपाल, UK, ऑस्ट्रेलिया, कहीं से भी अमेरिका के अंदर बिजनेस कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में। अमेरिका के अंदर करने के लिए आपको किसी भी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, कुछ बहुत ज़्यादा इंग्लिश आने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। एंड ये कोर्स आप मेरी वेबसाइट fitlifebyamita.com पे जाना, ऑल कोर्सेज के अंदर जाना, आपको दिख जाएगा। कभी भी कुछ भी सीखो तो उनसे सीखो जो वो खुद कर चुके हैं। मैं हर रोज़ अपना प्रॉफिट शेयर करती हूँ इंस्टाग्राम पे, मेरी आईडी fitlifebyamita, ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं रियल में ये बिजनेस कर रही हूँ अमेरिका के अंदर और उसके बाद मैं सिखा रही हूँ। फेक गुरु नहीं हूँ मैं कि सिर्फ बोल रही हूँ, बातें बना रही हूँ। दूसरी चीज़, अगर आप सबको मुझसे कंसल्ट करना है किसी भी क्वेरी के लिए तो आप सब मेरा कंसल्टेशन कोर्स भी ले सकते हैं। एंड इसके लिए भी मैंने छोटा सा अमाउंट रखा है, क्यों? ताकि लोग फिल्टर हो जाएं। सबसे अगर मैं फ्री में बात करूंगी तो बहुत लोग मुझे रीच आउट करते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो H-1B वीज़ा के दो कैटेगरी हैं, आज हम लोग बात करेंगे कैप कैटेगरी की। एंड ये साल में एक बार लॉटरी के थ्रू कंडक्ट किया जाता है इसको, जो कि होता है मार्च महीने में आपका एप्लीकेशन फाइल होता है इस वीजा के लिए। साल में एक ही बार इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो आप। अगर एक बार फर्स्ट टाइम लॉटरी में नहीं निकलता या फर्स्ट ईयर सेकंड लॉटरी भी हुआ था इसके लिए, अगर एप्लीकेशन फिल नहीं होते तो सेकंड लॉटरी भी USCIS निकालती है। तो अगर सेकंड लॉटरी में भी नहीं होता है तो आपको फिर अगले साल फिर से अप्लाई करना पड़ेगा ये वीज़ा। एंड इस वीज़ा में स्टेम कैटेगरी के लोग फॉल होते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग। तो आप अगर इन चारों फील्ड में से किसी भी फील्ड में हैं तो आप इस वीज़ा के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप इंडिया में या दूसरी किसी भी कंट्री में बैठे हैं तो आपको ये वीज़ा कैसे मिलेगा, आप ये वीज़ा के लिए नेक्स्ट स्टेप ले पाओ? तो उसमें पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि आपको कोई ऐसी कंसल्टिंग फर्म मिले, रिक्रूटमेंट फर्म मिले, कंपनी मिले। देसी कंसल्टिंग ही ये सर्विस प्रोवाइड करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि वो लोग को भी आपसे थोड़े पैसे कमाने होते हैं। एंड जो अमेरिकन कंपनीज है वो उन्हीं का स्पॉन्सर करेगी मोस्ट ऑफ द केसेस में, वो लोग उन कंपनीज के लिए ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आपको फाइंड आउट करना है देसी कंसल्टिंग फर्म्स। देसी जब मैं कह रही हूँ यानी कि जो इंडियंस हैं या कोई पाकिस्तानी है, जो लोग अमेरिका के अंदर हैं और उन्होंने अपना कंसल्टिंग फर्म खोल रखा है, तो आपको उन्हें रीच आउट करना है। पर गाइस, नोट करने की बात है कि इसमें बहुत ज़्यादा स्कैम होता है। ओके, मैंने पिछले साल 3 लोगों को मैंने फ्रॉड होने से बचाया। उन तीनों लोगों ने, ऐसे लोगों से बातचीत कर रहे थे वो कि वो फ्रॉड कंपनी थी, पैसे मांग रही थी कि आपका एप्लीकेशन लॉटरी में पिक हो गया है और आगे के लिए आप मुझे 5-8-10 हज़ार रुपये दो, डॉलर्स दो। ओके, आपको ऐसे फ्रॉड से बचना है। एंड वो आप कैसे बच सकते हो, तो उसके लिए डेफिनेटली आप मुझे रीच आउट कर सकते हो जब आपका लॉटरी में पिक हो जाएगा। अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं, लॉटरी में एप्लीकेशन अगर वो लोग कहते हैं कि आपका पिक हो गया तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो, फिर मैं आपका आगे सॉल्यूशन बताऊंगी कि क्या है, कैसे है। दूसरी चीज़ कि क्या होता है कि वो लोग ना दिखाते हैं कि ये बड़ी कंपनी है वो, यानी कि वेबसाइट्स वगैरह ऐसे दिखाएंगे कोई बड़ी किसी कंपनी का, बट इंटरनली वो कोई और होते हैं और वो आपसे पैसे वैसे चार्ज कर लेते हैं। तीसरी चीज़, मान लो कोई छोटी कंपनी है, मान लो उनका खुद का भी वेबसाइट है, पर वो लोग भी गलत बोलते हैं कि आपका लॉटरी में एप्लीकेशन पिक हो गया है एंड आप मुझे इतने पैसे दो एंड मैं आपका पिटीशन फाइल करूंगा। तो ये सब आपसे सामने वाली कंपनी पैसे का डिमांड ना करे तब तक आपको स्कैम का नहीं सोचना। तब तक आपको क्या करना है वो मैं बता रही हूँ। 50, 100, 150, 200 लोगों को रीच आउट करना, अभी से 6 महीने आपके पास अगले साल मार्च तक का। रीच आउट करें उन लोगों को, लिंक्डइन पे रीच आउट करें, उनकी वेबसाइट्स हैं तो वेबसाइट्स पे रीच आउट करें, उनको मैसेज करें कि मैं इस कैटेगरी से हूँ, मेरा ये एक्सपीरियंस है, क्या आप मेरे लिए 2025 में H-1B वीज़ा फाइल करोगे? उनको रीच आउट करें, फिर उनका रिस्पॉन्स आएगा, फिर आप आगे कम्युनिकेट करें। दूसरा स्टेप क्या होगा कि लॉटरी के लिए
बहुत कम मिनिमल चार्ज लगता है, $10। तो लॉटरी के लिए उन्हें आप बोलें कि आप अप्लाई करें, अगर आपको मेरा रिज्यूमे समझ आता है, मेरा काम पसंद आता है तो आप अप्लाई करें, मैं आपकी कंपनी के लिए काम करूंगी। एंड जब वो रेडी हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए तो, और वो आपसे पैसे मांगते हैं, तो आप कहो कि पिक अगर हो जाता है लॉटरी में तो मैं आपको पैसे दे दूंगा। ठीक, दूसरी चीज़, मान लीजिए आपका लॉटरी में पिक हो जाता है, फिर वो पिटीशन फाइल करते हैं जिसमें ज़्यादा पैसे लगते हैं, और उसी समय वो आपसे $5,000, $8,000, $10,000 का डिमांड करते हैं। बट वो आता है जून में, मतलब मार्च एंड में USCIS रिजल्ट्स निकाल लॉटरी का, कि जिनका भी एप्लीकेशन पिक हुआ उनका रिजल्ट निकालती है, एंड अप्रैल से पिटीशन फाइलिंग शुरू होता है। तो उसका आप ना अभी से सोचें, आपने पूरा फोकस करना है कि अभी आपको कैसे देसी कंसल्टिंग फर्म्स मिले जो अमेरिका में जेन्युइन है। एंड कुछ कंसल्टिंग फर्म्स को मैं जानती हूँ, तो अगर आप सब मुझसे कनेक्ट होना चाहें तो आप मेरा कंसल्टेशन अगेन कोर्स ले सकते हो। एंड अपने लेवल पे आपका एक बार चेक कर लूँगी प्रोफाइल की, क्योंकि सब लोग रेडी नहीं होंगे आपका एप्लीकेशन फाइल करने के लिए, डिपेंडिंग ऑन आपका एक्सपीरियंस। आपका अगर अच्छा एक्सपीरियंस है, आपका एजुकेशन अच्छा है, वो सब पे बेस्ड, और आप इस टाइम कैटेगरी में फॉल होते हैं, तभी कोई आपका जेन्युइन कंपनी तभी एप्लीकेशन फाइल करेगी H-1B वीज़ा के लिए। उसके लिए आप मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, बट अगर नहीं करना है, डायरेक्टली आपको ढूंढना है, तो लिंक्डइन बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, गूगल बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इन दोनों जगह आप सर्च करें कौन कौन से कंपनीज फाइल करती हैं H-1B, एंड मोस्टली जैसे मैंने बोला कि मोस्टली देसी कंसल्टिंग फर्म्स, देसी कंपनीज जो कि इंडियंस, पाकिस्तानीज, वो सब हैं, वही लोग फाइल करेंगे। क्योंकि जो रूल कहता है इस वीज़ा का, वो ये कहता है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए स्पॉन्सर कर रहे हैं, मोस्टली अमेरिकन कंपनीज इसके लिए नो कर देती है। H-1B का सेकंड कैटेगरी भी होता है, जो कि होता है नॉन कैप एग्जेम्प्ट कैटेगरी। तो कैप एग्जेम्प्ट कैटेगरी क्या होता है गाइस, इसमें आपको लॉटरी के थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके थ्रू अगर आपको जॉब मिलती है तो वो आपका कैप एग्जेम्प्ट कैटेगरी में H-1B फाइल कर सकते हैं, और डायरेक्टली आपकी जॉब हो सकती है, डायरेक्टली आपको वीज़ा मिल सकता है। तो मान लो आज आपने जॉब इंटरव्यू उनका उनके साथ क्रैक कर लिया, तो आप कल अमेरिका आप आ सकते हो इंटरव्यू वगैरह होने के बाद, वीज़ा प्रोसेस होने के बाद। एंड कौन कौन सी कंपनीज ये आपको स्पॉन्सर करती है H-1B वीज़ा कैप एग्जेम्प्ट कैटेगरी के लिए, उसकी पूरी मैंने लिस्ट, लिटरली मैंने 100-150 कंपनीज की लिस्ट मैंने अपने बंडल कोर्स में डाला हुआ है, जो कि अगेन मेरी वेबसाइट fitlifebyamita.com पे है। कंपनीज हैं उसमें अपनी जॉब प्रोफाइल के हिसाब से जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं, एंड कैप एग्जेम्प्ट H-1B वीज़ा के लिए ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत पॉपुलर वीज़ा, लोगों को इस कैटेगरी के बारे में नहीं पता। इनफैक्ट अमेरिका के भी लोगों से आप कई बार बात करोगे तो इस कैटेगरी के बारे में नहीं पता लोगों को, बट मैं क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ काफ़ी टाइम से वीज़ा एंड स्टफ पे, तो मुझे पता है। इसके लिए भी ट्राई कर सकते हो, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। जो भी लोग मुझे कंसल्ट करते हैं उनको मैं ये सजेस्ट करती हूँ एक बार, डिपेंडिंग ऑन की बैकग्राउंड है। मैंने ये कंसल्टेशन कोर्स क्यों रखा है गाइज, क्योंकि अमेरिका आने के 30-40 टाइप के डिफरेंट वीज़ाज हैं, तो आपका बैकग्राउंड क्या है वो सारी चीज़ें जब तक मैं नहीं समझूंगी तब तक मैं आपको समझा नहीं सकती, तब तक मैं आपको गाइड नहीं कर सकती कि आप अमेरिका कैसे आ सकते हो। इसीलिए मैंने ये फिल्टर क्राइटेरिया रखा है कि ताकि मैं समझूं, क्योंकि डायरेक्टली लोग मुझे पूछते हैं मुझे US आना है, कैसे आऊं, तो मुझे पहले आपका बैकग्राउंड समझना पड़ता है, उसके बाद मैं 2-3 ऑप्शंस आपको बताती हूं, उसमें से फिर आप सेलेक्ट करें एंड चीज़ें उसके हिसाब से हम आगे प्रोसीड करते हैं। ये वीडियो मैं यहीं एंड करती हूं, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। मिलती हूं आप सबको अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे फिट।